ताज्या आणि महत्वाच्या घडामोडींसाठी आपण पाहत राहा तिचा जागर आणि आमचं बातमीपत्र आपल्या मोबाईलवरती त्वरित मिळवण्यासाठी तिचा जागरचं हे युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा. आमचे व्हिडिओज आपल्याला आवडत असतील तर ते नक्कीच लाईक करा. आपल्या काही प्रतिक्रिया असतील तर त्या कमेंट बॉक्समध्ये लिहायला विसरू नका. नमस्कार. सांगली जिल्ह्याचे एव्हरेस्टवीर जिल्हा पोलीस अधीक्षक सुहेल शर्मा हे सांगली जिल्हा पोलीस दलाच्या अत्यंत अडचणीच्या काळात जिल्हा पोलीस अधीक्षक म्हणून रुजू झाले. अनिकेत कोतळे प्रकरणाने भेदरलेल्या सांगली जिल्हा पोलीस दलाला एका चांगल्या प्रकारे उभारी देण्याचे कौतुकास्पद काम सुहेल शर्मा यांनी आपल्या अल्पशाच कारकिर्दीत केले आहे. साहजिकच त्यांच्या कार्यपद्धतीमुळे पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे मनोधैर्य पुन्हा नव्याने उंचावले आहे. सुहेल शर्मा हे सांगलीत आल्यापासून पोलीस दलासमोर आव्हानांची मालिकाच ठकली असल्याचे चित्र होते. भीमा कोरेगाव घटनेचे पडसाद, विविध आंदोलने, अलीकडेच झालेले दूध आंदोलन, मराठा समाजाचे आंदोलन अशा साऱ्या आंदोलनांची परिस्थिती सुहेल शर्मा आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी मोठ्या कौशल्याने हाताळली. नुकत्याच पार पडलेल्या सांगली, मिरज आणि कुपवाड महापालिका निवडणुकीत कायदा व सुव्यवस्थेबाबत कधी नव्हे इतका पोलीस दलाचा चांगला प्रभाव दिसून आला. काम करताना कोणाच्याही दबावाला बळी न पडण्याच्या त्यांच्या भूमिकेमुळे गेल्या काही महिन्यात अनेक गुन्हेगारांवर अटक, स्थानबद्ध, हद्दबारी अशा कारवाया होऊन मोठा शस्त्रसाठाही जप्त करण्यात यश मिळाले. या साऱ्या पार्श्वभूमीवर सुहेल शर्मा यांनी आज पत्रकारांशी चाय पे चर्चा केली. 2017 रुजू झालेल्या सुहेल शर्मा यांनी पत्रकारांशी मनमोकळा संवाद साधून त्यांच्या सूचना अडचणी समजावून घेतल्या. तक्रार निवारण कक्षाबरोबरच कुठल्याही पोलीस अधिकारी कर्मचाऱ्यांबाबत काही तक्रार असेल तर ती ड्रॉप बॉक्समध्ये टाकण्याचे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. त्यांच्या या पत्रकारांसोबतच्या चाय पे चर्चा कार्यक्रमामुळे पोलीस आणि पत्रकारांच्या मध्ये सुसंवादाचा नवा दुवा निर्माण होण्यास मदत होणार आहे. ब्युरो रिपोर्ट, तिचा जागर. बॉडी ऑफेंस नहीं हुआ, कोई भी आईपीसी ऑफेंस नहीं हुआ. अच्छा से पिछले इलेक्शन में 76 ऑफेंसेस दाखिल हुए, इस बार उसके 30 तक का भी नहीं, और वो भी ये वाले ऑफेंसेस हैं जो हमने कई बार तो होता था कि कोई थोड़ा सा भी चार्ज एक का पालन नहीं किया हम गुनाह दाखिल करते, और सबके उससे क्या होता है कि प्रभाव अच्छा पड़ता है और आम लोग इलेक्शन के वक्त वोटिंग करने ज्यादा पैमाने पर आते हैं. और स्ट्रॉन्गली एक्शन कितने लोगों को डिटेन किया गया है, कितने लोगों को हद्दपार किया गया है, तो उससे एक पॉजिटिव माहौल तैयार हुआ है. क्या है ना कि यहाँ पर अब नाम को नहीं मिलेंगे, बट बहुत लोग सोचते हैं कि हम प्रशासन से हम कायदे से ऊपर हैं, और जब इन ऐसे लोगों पे गुनाह दाखिल होते हैं तो मुझे लगता है कि पूरे समाज में समझ आती है कि भाई कायदा सबसे ऊपर है तो उसी हिसाब से चलना चाहिए. और उसको लेके हमारी जो ऑफिसर्स, पुलिस प्रशासन, हम लोग इतने कॉन्फिडेंट हैं कि कोई भी हो जो अनलॉफुल एक्टिविटी करेगा उसको लेके डजंट मैटर कि वो कौन है, क्या है, अगर वो गलत है तो उसके ऊपर कायदेशीर कार्रवाई होगी, और वो हुई भी. इसी तरह काफी लोगों को जो जिनको हमने 144(2) के अंतर्गत या 55 के अंदर 55 के अंतर्गत किया है, उससे हमें इलेक्शन में बहुत सपोर्ट हुआ है. इलेक्शन एकदम पीसफुल गया है, कहीं पर एक छोटा रायट का इंसिडेंट नहीं, लीव असाइड सीरियस इंसिडेंट ऑफ बॉडी में रायट का इंसिडेंट भी नहीं. माहिती आमच्याकडे आली पाहिजे, एखादं चांगलं डिटेक्शन झालं किंवा अध्यादेशी जर 307 दाखल झाला असेल तर त्या आरोपींना अटक केल्यानंतर सुद्धा की बाबा आज हे आरोपी अटक केले, त्यांना एवढी पोलीस कोठडी मिळाली, याची माहिती सुद्धा म्हणजे त्याचा फॉलोअप मिळाला पाहिजे. कारण तो वाचकांना हवा असतो, संध्याकाळपर्यंत जरी चौकशी केली
नाही अजून दाखल नाही अजून दाखल तर आमची ओळख आता म्हणते मग आमच्याकडनं वगैरे डोळे बांधून गाढवलं शेपूट लावून असं काहीतरी प्रकार होतो आणि मग ते वेगळं जाऊन येईल लोकांच्या समोर वास्तव झालं आणि तुम्ही जर वास्तव आमच्या 8 डिसेंबर 2017 सात कोमने प्राइम कॉन्फरन्स घेतली पहिली पहिली कॉन्फरन्सच्या नंतर आपण सगळ्यांना फर्स्ट टाइम आपको मिला था ना 8 डिसेंबर तो आपने जो अभी बात की है ये बात तभी भी रखी थी कि हमें प्रेस नोट्स नहीं मिलते आपने बोला था पुलिस स्टेशन पर हमें प्रेस नोट मिलता है हमें ये नहीं मालूम कि कोऑर्डिनेशन किससे करनी है तो इसीलिए हमने पीआरओ या एनसीबी को रखा था ताकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको कोऑर्डिनेशन का इश्यू ना आए अगर आपको किसी पुलिस स्टेशन से प्रेस नोट नहीं मिलता है जो मुझे जो इन्फॉर्मेशन है हमने ऑलरेडी इंस्ट्रक्ट किया है प्रेस नोट जो है वो देने का है बिकॉज दैट इज द पार्ट ऑफ द जॉब कोई र्यूमर जाए उससे अच्छा तथ्य जाना चाहिए और आपने उसके बाद मुझे बोला था कि प्रेस नोट सभी मिल गए अगर उसमें भी कोऑर्डिनेशन का कोई इशू होता है तो आप पीआरओ जो पीआरएनसीडी है उनसे बात करके वो क्लैरिटी ले सकते बट इसमें कुछ चीजें हैं जिसको लेके मेरे ख्याल से आप भी बहुत सेंसिटिव होंगे कि कुछ ऐसे गुनाह होते हैं जिसमें कि हम माहिती नहीं दे सकते उसका कारण होता है कि उसमें चाहे वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ समबडी लाइफ वेमेन रिलेटेड महिला के संदर्भ में जो गुने रहते हैं इस तरह के जो गुने रहते हैं उसमें पूरी माहिती नहीं दे सकते दूसरा जब से जो पहली चीज है जो इम्पोर्टेंट है जो अभी हमारे जो कच्ची नोट का प्रकार था वो नहीं होने के कारण जो गुने 2 बजे घटते हैं वो शाम के 7 बजे दाखिल नहीं होते वो दिन में 7 बजे हो जाते हैं अभी क्योंकि हमारे पास डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिपोर्ट जो आती है उसमें कुछ डिले नहीं होता है गुना दाखिल होने गुने दाखिल जब भी कोई कंप्लेंट आती है उसमें उसकी वेरीफाई करके सीसीटीएनएस में दाखिल होके एफआईआर की कॉपी जितना वक्त क्योंकि जब कच्ची नोट होती है तो इट टेक्स टाइम आप जब तक वेरीफाई करते हैं 2 दिन 3 दिन हम उसी वक्त गुना दाखिल करते हैं क्योंकि मेरा ऐसा मानना है और मैं अपने ऑफिसर्स को भी बोलता हूँ कि अच्छा पुलिस स्टेशन वो नहीं है जहाँ पर गुने कम दाखिल होते हैं अच्छा पुलिस स्टेशन वो है जहाँ पर सबकी कंप्लेंट्स दाखिल होती हैं ताकि जब कंप्लेंट्स दाखिल होती हैं तभी गुनेगारों पे धक्का बसता है क्योंकि एक बार कानून प्रक्रिया में वो आते हैं तभी उनको आगे गुने करने में रोक सकते हैं हमने जिन जिन लोगों पे मौका लगाया है या पचपन किया है उसका कारण ये है कि उन्होंने कोई भी छोटा गुना किया चाहे वो एनसीबी हो हम उसको रजिस्टर करके उनके ऊपर कार्रवाई कर सके इसलिए जिस जिन पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल होता है दैट इज बेटर ये हम जरूर ये कोशिश करेंगे मेरी क्लियर पॉइंट कि जो दाखिल बेसिकली क्या होता है कि जब कुछ गुना दाखिल होता है तो एक आप भी एक टाइम रख लीजिए जिस वक्त पे आप एक टाइम निश्चित कर लीजिए जिस वक्त पे पीआई इनके साथ इंटरेक्ट करके इनको प्रेस नोट दे लें बिकॉज वो भी सुबह से शाम तक बिजी रहेगा कभी पेट्रोलिंग कभी मर्डर कभी चोरी तो उसको भी एक ऐसा वक्त मिल जाए जहाँ इनके इंटरेक्ट करके इनको दे तो ये फिर जिस आदमी को जो आपको बता रहा दाखिल नहीं है उसकी फिर हाउ अनएजुकेटेड ही इज ताज्या आणि महत्त्वाच्या घडामोडींसाठी आपण पाहत रहा तिचा जागर आणि आमचं बातमीपत्र आपल्या मोबाईल वरती त्वरित मिळवण्यासाठी तिचा जागरचं हे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा आमचे व्हिडिओज आपल्याला आवडत असतील तर ते नक्कीच लाईक करा आपल्या काही प्रतिक्रिया असतील तर त्या कमेंट बॉक्समध्ये लिहायला विसरू नका नमस्कार.